श्री आदिनाथ दिगंबर जैन गुणोदय अतिशय तीर्थ गुलगांव केकड़ी भारत के राजस्थान राज्य का एकमात्र ऐसा अद्भुत अनूठा तीर्थ क्षेत्र जहां दो बार भूगर्भ से प्रतिमाएं निकली और दोनों ही बार मिति फाल्गुन सुदी अष्टमी को निकली। प्रथम बार संवत 2026 में और दूसरी बार 46 वर्ष बाद 2016 में। जांच परख के बाद जानकारी हुई कि ये दिव्य प्रतिमाएं जैन धर्म से जुड़ी हुई हैं। जैन समाज में खुशी की लहर दौड़ गई। जैन समाज के अथक प्रयासों से एवं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से उनके परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से 1 जनवरी 2016 को शाश्वत तीर्थ क्षेत्र श्री सम्मेद शिखर जी की पावन माटी को 1000 कलशों से भरकर इस क्षेत्र की स्थापना की गई और भूगर्भ से प्राप्त इन अति प्राचीन और अतिशयकारी प्रतिमाओं को यहाँ स्थापित किया गया। इन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा भी फाल्गुन सुदी अष्टमी को हुई। ये तिथि भगवान की प्रशस्ति पर अंकित है। साथ ही पूज्य मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज ने इस क्षेत्र का नाम श्री आदिनाथ दिगंबर जैन गुणोदय अतिशय तीर्थ हजारों श्रद्धालुओं के सम्मुख घोषित किया। तभी से ये तीर्थ गुणोदय तीर्थ के नाम से चर्चित हुआ। इसके बाद क्षेत्र का निर्माण तेजी से शुरू हुआ और 24 जून 2016 को पुनः संपूर्ण समवशरण को नवीन क्षेत्र पर हजारों लोगों की साक्षी में नवीन संत शिला के हॉल में वेदी बनाकर विराजमान किया गया। वर्तमान में भी क्षेत्र पर निर्माण कार्य जारी है। यहाँ वर्ष भर भगवान के दर्शनार्थ भक्तों का तांता लगा रहता है। यहाँ विराजमान मूलनायक भगवान की अति विशिष्ट प्रतिमा जी की शांति धारा का विशेष महत्व है। यहाँ शांति धारा करने और करवाने वाले भक्तों के मनोरथ अति शीघ्र पूर्ण होते हैं। आप भी अपने स्वजनों सहित एक बार अवश्य पधारें श्री आदिनाथ दिगंबर जैन गुणोदय तीर्थ गुलगांव केकड़ी। मानुभाव, अजमेर कोटा मेन हाईवे पे निर्यात पर समान जगत पूज्य मुनि पोंगो सोदागर जी महाराज के आशीर्वाद से यहाँ भूगर्भ से प्रतिमाएं निकली है। अजमेर कोटा मेन हाईवे पे केकड़ी के पास में गुलगांव गांव है जहाँ पे आदिनाथ भगवान का पूरा समोषण भूगर्भ से निकला है और यहाँ पे गुरुदेव के आशीर्वाद से भव्य बहुत बड़ा विशाल काय पत्थर से ये मंदिर बन रहा है। भव्य चौबीसी बन रही है और त्रिकाल चौबीसी के साथ साथ कीर्ति स्तंभ सहस्त्र जिनाले का यहाँ निर्माण चल रहा है। एक मूर्ति बिठाने का सौभाग्य हर परिवार करता है। हर आदमी की इच्छा होती है भगवान विराजमान करूँ तो वह सौभाग्य अर्जित कर सकता है। आप यहाँ पधारिए, यहाँ से नारेली 80 किलोमीटर, यहाँ से आवा 65 किलोमीटर और जहाजपुर यहाँ से 30 किलोमीटर है। यहाँ पर रहने की और भोजन की उत्तम व्यवस्था है। गुणोदय तीर्थ क्षेत्र यहाँ राजस्थान की पहली प्रतिमा विराजमान है आदिनाथ भगवान की। जहाँ से भगवान निकले हैं वहीं पे भगवान का ये बहुत बड़ा विशाल का ये मंदिर बन रहा है। बहुत बड़ा प्रांगण है, यहाँ पे पत्थर से बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, रहने की उत्तम व्यवस्था है और मेन हाईवे पर अगवा स्थान है। आप यहाँ आइए, पधारिए और अपने पुण्यार्जन करके अपना जीवन सफल कीजिए। जय जिनेन्द्र। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हं सं पं पं वं वं मं मं हं हं सं सं पं 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 जं जं जीं जीं श्रीं श्रीं रं रं ह्रीं ह्रीं द्रवे द्रवे नमो अर्ते भगवते श्रीमते पवित्रतर्जलेन जिन्देश्चयामि स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हं सं तं पं 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 हं सं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव द्रव नमोऽस्ते भगवते श्रीमते। ॐ ह्रीं क्रों मं पापं खंड खंड जय जय दय दय पच पच पच। ॐ नमो अर्हं झं झं झीं छीं छीं झ स छ छीं छां छीं छों छें छों छं छौ छ छीं ह्रां ह्रीं ह्रों ह्रों ह्रे रे रौ रौ रद्र द्रां द्रीं 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 द्रव द्रव नमोऽस्ते भगवते श्रीमते। आज के शांति धारा पुण्यार्जक परिवार श्रेष्ठी श्रीमती स्वर्गीय श्रीमती साधना जी मनोल जी नैनीता जी जैन सब परिवार से स्वर्गीय साधना जी की पुण्य स्मृति में श्रेष्ठी श्रीमान ताराचंद जी सुशीला देवी जी सुनील जी सीमा जी रौनक जी मिताली जी अतिशय जी जैन चांद सेन वाले मनोकामना पूर्ण हेतु अतिशय के स्वास्थ्य लाभ हेतु एवं सभी बाधाएं दूर हो। श्रेष्ठ श्रीमान मुकेश कुमार जी ज्ञानचंद जी दिलीप जी शंभू जी शीतल जी पारस जी एवं समस्त मंगलवार अभिषेक संघ श्री गुणोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र
श्रीमती रजनी जी, तरुण जी, अनुराग जी, काला, अरविंद जी, अंकुर जी, आर्यवीर जी, पाड़नी परिवार मुंबई वाले, श्री विनय जी, आबाजी मैत्री जी, विवेक जी, विजय विस्का जी, अजय संभव जी, अहमदाबाद वाले, श्री पन्नालाल जी, सरला देव जी, विवेक जी, केतकी जी, आराध्य जी, देवांश जी, बनाड़ा परिवार आगरा वाले, श्री अक्षय कुमार जी, रणु जी, अक्षान जी, अक्षिता जैन सपरिवार, अक्षिता जैन यूपीएससी में परीक्षा में सफलता हेतु, श्री प्रदीप जी, प्रीति जी, राजेश जी, रेखा जी, आशिका जी, दीपिका जी, साक्षी, आयुष, खुशी, पाटनी, सुनीता, सीमा, भिवंडी, मुंबई, सूरत वाले, श्री सुशील जी, सुमन जी, नवीन जी, रीना जी, अभिषेक जी, अनु, मयंक, सौम्या, अवनिधि, विशा, जयपाल, सज्जन परिवार, सोनीपत, श्री नरेंद्र जी, स्वर्गीय श्रीमती सुदेश रानी जी, विपिन जी, संगीता जी, अभिषेक जी, रिद्धि सिद्धि, सुदेश इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड बैराज लखनऊ, आंचल जी, वैभव जी, सुमित जी, प्रीति विहार दिल्ली वाले, श्री ओम प्रकाश जी, विनोद जी, मिनल जी, नव व्यवसाय सफलता हेतु, श्री ताराचंद जी, टिकम जी, मनोज जी, हर्ष जी, पुण्य जी, केगड़ी व्यापार लाभार्थम आरोग्यार्थम, श्री राकेश जी, सोना जी, बॉम्बे मूलनाय मंदिर अति शीघ्र निर्माण हेतु, श्री माया प्रसाद जी, पारसमल जी, अशोक जी, महेंद्र जी, अजगरा वाले, केगड़ी सुख शांति समृद्धि स्वर्धता हेतु, श्री प्रसन्न जी, कुसुम जी, पलक जी, पुलकी जी, प्रिया जी, इंदौर वाले, श्री ताराचंद जी, सुशीला देवी जी, सुनील जी, सीमा जी, रौनक जी, मिताली जी, अतिशय जी, चांसेन वाले, केकड़ी सुख शांति समृद्धि स्वर्धता हेतु, व्यापार बाधा निवारण हेतु एवं मनोकामना पूर्ण हेतु, श्री सज्जन कुमार जी, संजय युग जी, अभिजी पांडे, केकड़ी वाले, श्री भागचंद जी, ज्ञानचंद जी, श्रीमती आशा देवी जी, सुनील जी, मेनका जी, अभिज जी, अभिषेक जी, रीमा, लक्की जी, टीमा, तीर्थ, कतान, जैन, जैन ज्वेलर्स वाले, केकड़ी सपरिवार, श्री माया प्रसाद जी, मुन्नी देवी जी, सुनील जी, अनिल जी, इंदु देवी जी, संजय जी, निशा, गीतांशी, पार्थिव, चारवी, जैन, मित्तल परिवार, केकड़ी, श्री माया प्रसाद जी, विपिन जी, सचिन जी, गदिया परिवार, केकड़ी, श्री प्रवीण जी, मेना जी, आयु जी, पायल जी, दीपाली, नमोकार, प्रिंसा, मित्तल परिवार, केकड़ी, जयपुर वाले, श्रीमती कंचन देवी, विमल जी, राजेंद्र जी, रमेश चंद जी, विकास जी, विद्यांश जी, श्रुतिका जी, मेरुकला वाली, केकड़ी, सभी गोवंश के लंपी रोग निवारण हेतु आरोग्यार्थम, श्री संजय जी पाटनी, नशीराबाद, बुरानपुर वाले आरोग्यार्थम, श्री माया प्रसाद जी, ओम प्रकाश जी, संजय जी, पारस जी, पीयूष जी, रितेश जी, आदित्य जी, आगम जी, अथर्व जी, जैन सपरिवार, तलेड़ा वाले, श्री कैलाश जी, मोहित जी, निर्मला जी, प्रियंका जी, मैत्री जी, कत्ते वाले, कानपुर सपरिवार, श्री लिपांशी जी, कुमावत आरोग्यार्थम, शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमती हेमलता जी, श्रवण कुमार जी के वंश वृद्धि हेतु पीपलू वाले, केकड़ी एवं इंद्रा देवी के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्री मां गोविंद जी, सरपंच साहब, सदा वालों की मनोकामना पूर्ण हेतु, राजनीतिक क्षेत्र में अपार सफलता हेतु, श्रीमान सुरेश चंद जी, जैनगंज दिल्ली वालों की कोर्ट केस में सफलता हेतु, श्रीमान नवीन कुमार जी, श्रीमती अंजलि जी, जैन बेंगलोर वाले, मनोकामना पूर्ण हेतु, श्रीमान मंगल कुमार, श्रीमती अंशु जैनस्य गर्भस्थ शिशु प्रसूति कार्य सानंद संपन्नार्थम, गुणोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र एवं समस्त सकल दिगंबर जैन समाज के अगड़ी किरण प्रकाश जी, सुप्रिया जी, शिशो प्रसूति कार्य सानंद संपन्नार्थम, गुणोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र एवं समस्त सकल दिगंबर जैन समाज की अगड़ी, सकल दिगंबर जैन समाज गुड़गांव भारत वर्षे एवं अस्माकं कार्य सिद्धार्थ सर्व गुण निर्वाणत श्रीमद बाब सर्वज्ञ परमेष्ठि पवित्राय नमो नमः अस्माकं श्री संति भट्टार पद प्रसाद सर्वद सद्धर्म श्री बल्ल आरोग्य बद्धिरस्तु सद्धर्म स्वय पर शिष्य वर्ग प्रशंतु न ओम विश्वाद श्री वर्धमान पर्यंत अरहंत भगवंत सर्वज्ञ परम मंगल नाम देय अस्माकं या मुत्रुचा सिद्धं तवंत साध्यम कार्यो सुमेय मुत्रुचा सिद्धं पर्यंत न ओम नमोर्ते भगवते श्रीमते श्रीमत पारस्थितंकराय श्रीमत रत्नत्रय रूपाय दिव्य ज्योति मूर्ति प्रभा मंडल मंडिता दोष गढ़ सहित चतुष्ट सहिता समसरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभता अष्टादश दोष रहिता स्वचतुष्ट गुण संयुक्त परमिष्ठी पवित्र सम्यक ज्ञान स्वयं देव शुद्ध बुद्ध परमात्मा परम सुखाय त्रिलोकमय व्याप्त अनुसंसार चक परमानंद ज्ञान दर्शन वीर सुखाय संप्रदाय त्रिलोक वंश का सत्य ज्ञान सत्य ब्राह्मण मंडलोन्नीत उपसर्ग विनाशनाय घातिकम क्षय अजराय अवसाय अवकाशम अस्माकं व्याधि घनंतो व्याधि घनंतो व्याधि घनंतो श्रीजिना अभिषेक पूजन प्रसाद अस्माकं सेविकानां सर्वोक दोष पीड़ा विनाशनं भवतु ओं नमो अर्थे भगवते श्रीमते प्रशिक्षणा शेष दोष कलम दिव्य ज्योति मूर्ति नमः श्री शांतिनाथ शांतिकरा सर्वविघ्न प्रणाशना सर्वोक मृत्यु विनाशना सर्वपक्षनाशना सर्वेष्ट शांतिकरा ओं ह्रां ह्रीं ह्रों ह्रीं ह्रशन मम सर्वशांतिं कुरु कुरु स्वाहा संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतेन सामनितपोदनानां देशाष्टे राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जनेन्द्रम्।